हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो हाईवे इंडिया। फ्रेंड्स, मैं दुद्धी से 14 किलोमीटर दूर अमवार, जो कि कन्हर सिंचाई परियोजना जहां पड़ती है, मैं वहां के लिए आगे बढ़ रहा हूं और आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत सी जानकारियां हैं जो इससे संबंधित हम आपको देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि इस बांध का निर्माण कब शुरू हुआ, इस बांध के विषय में क्या चर्चाएं रहती हैं और आसपास विस्थापन का क्या प्रभाव रहा। 1976 में कांग्रेस सरकार ने सोनभद्र के हर एक खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कन्हर सिंचाई प्रोजेक्ट तैयार किया। सीएम उस समय के जो सीएम एनडी तिवारी थे, उन्होंने भूमि अधिग्रहण का आदेश दिया और अगले 6 साल में यानी कि 1982 में जमीन चिन्हित कर ली गई। यह ग्रामीण क्षेत्र है जहां से हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके की लोकेशन है। ये कुछ हरियाली दिखाई दे रही है, लोगों को मुआवजा भी दिया गया, लेकिन अचानक योजना बंद हो गई। 25 साल तक कोई खबर नहीं रही इसकी और 2009 में जो बसपा की सरकार आई उसने उसकी फाइल खोली। अखिलेश सरकार आए तो बजट बढ़ा दिया। हम लगभग करीब पहुंच रहे हैं। आप यह देखिए, एक मंदिर की चोट का शिखर दिख रहा है, चोटी दिख रही है, इसके विषय में भी आपको बताऊँगा। सीएम योगी ने इसे फाइनल टच दिया। फाइनली 46 साल में 27 करोड़ का प्रोजेक्ट करीब 3500 करोड़ रुपये में पूरा हो पाया। आप यह देख रहे हैं, लगभग फाइनल टच पे पहुंच चुका है और यह प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। इस साल इस क्षेत्र में मानसून का जो पानी एकत्र होना वह भी एकत्र हो रहा है। यह दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ एक मंदिर है जो पिछले 1 साल में बनकर तैयार हुआ है। ऐसा बताते हैं कि इस मंदिर के बनने के बाद ही बांध का जो कहते हैं बांध का कार्य जो बार बार रुक जा रहा था उसकी भी रुकावट दूर हुई, तो इसके प्रति भी कुछ आस्था है, शायद इसीलिए बनाया होगा। जिस कंपनी का यहाँ काम चल रहा है उस कंपनी ने ही इसे बनाया है। सोनभद्र में अंग्रेजों का बताया हुआ दुद्धी कस्बा था। यहाँ के हालात ऐसे थे कि हर बरसात में पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को संघर्ष करना होता था। लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने दुद्धी से 12 किलोमीटर दूर, जिसे आप अंदाजा लगाएंगे तो लगभग 14 किलोमीटर दूर पड़ता है, अमवार गांव में डैम बनाने का फैसला लिया। यहां कन्हर और उसकी सहायक नदी पांगन है, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम कन्हर सिंचाई परियोजना रखा गया। 6 अक्टूबर 1976 को इसे बनाने की मंजूरी मिल गई, लेकिन कार्य बहुत विलम्ब से रहा, बहुत से अवरोध आते रहे। सरकार इसे अगले 8 साल यानी कि 1984 तक पूरा कर लेना चाहती थी, इसलिए 27 करोड़ 75 लाख का बजट जारी कर दिया गया। यह मंदिर है, इस मंदिर का जो सामने परिसर दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली ज़मीनों का सर्वे हो गया। उस वक्त लोगों को 1800 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा भी दिया गया। बांध का यह भव्यतम स्वरूप दिख रहा है, 2 गेट खुले हुए हैं और पानी की एकदम जोरदार फवार निकल रही है। हालांकि सिंचाई विभाग ने जमीन को अपने नाम करवाने की कार्रवाई उस वक्त नहीं की, इसलिए लोग अपनी ज़मीनों पर टिके रहे। इसी के आधार पर कई किसानों ने तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। 1984 आते आते प्रोजेक्ट ठप हो गया। इसके बाद सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन किसी ने भी इसे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। राज्यों का बंटवारा हुआ, फाइल फंस गई। साल 2000 में 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश से होकर छत्तीसगढ़ बना, 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड बना, नए राज्यों के चलते प्रोजेक्ट के शुरू होने की जो उम्मीद थी वह भी ठप हो गई, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत यूपी के 11 गांव के साथ झारखंड के 4 और छत्तीसगढ़ के 6 गांव भी डूब रहे थे। या आप आसपास का नज़ारा देख रहे होंगे कि एक फैलाव है पानी का, जो कुछ दिख रहा है जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। 2007 में बसपा के टिकट पर दुद्धी से विधायक बने पूर्व डीजीपी चंद्रमणि प्रसाद के प्रयास के बावजूद बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मंजूरी दे दी। 2010 में प्रोजेक्ट की फाइल दोबारा खुल गई। बसपा सरकार ने इस योजना के लिए 850 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। लोग पर्यटन के लिए भी यहां आने लगे हैं क्योंकि इधर का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है। 2012 में सपा की सरकार बनी, उस वक्त सिंचाई मंत्री बने शिवपाल यादव खुद अमवार आकर कन्हर पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। उस वक्त इसका बजट 2292.59 करोड़ रुपये तय किया गया। सपा सरकार ने यह फैसला जारी किया और काम दोबारा शुरू हुआ। आसपास की लोकेशन बहुत अच्छी है, लोग बराबर इधर घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, काफ़ी आनंद आता है। दिसंबर 2014 में इस योजना को लेकर विरोध तेज हो गया। कन्हर बांध विरोधी संघर्ष समिति, आदिवासी विस्थापन एकता मंच के अलावा ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल भी इसके विरोध में आ गया। इस संगठन की रोमा मलिक अमवार में आकर जम गई। रोमा का कहना था कि 1984 में यह परियोजना जब खत्म कर दी गई, इसके लिए जो बजट आया था वह एशियाई खेलों पर खर्च कर दिया गया। स्थानीय पत्रकार भी ऐसा मानते थे। रोमा की मौजूदगी में आंदोलन को बड़ा कर दिया गया और फिर वह एक दिन हिंसक हो गया। 14 अप्रैल 2015 को बड़ा आंदोलन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी की कविता कृष्णन भी मौके पर पहुंच गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी पहुंच गए। दुद्धी स्टेशन पर बड़ी संख्या में बाहरी लोग आंदोलन में शामिल होने पहुंच गए। काफ़ी व्यापक हो रहा था और हिंसक होने की संभावना थी। पुलिस ने सड़क मार्ग से रोका तो जंगल और नदियों के बीच से होकर ये लोग अमवार पहुँच गए।
कन्हर नदी को बहने दो, हमको जिंदा रहने दो, जंगल हमारे आपका नहीं किसी के बाप का, जैसे नारे लगने लगे। अचानक स्थिति खराब हुई और पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने लाठियां चला दी। यह पानी है देखिए, जो कि हम चलते हुए ऊपर से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसकी धारा निकल रही है। आंदोलन कर रहे लोगों की तरफ से भी हमला हुआ। एसपी समेत पुलिस के बड़े अधिकारी घायल हो गए। उस वक्त डीएम संजय कुमार और एसपी शिवशंकर यादव ने मोर्चा संभाला। किसी तरीके से स्थिति सामान्य हुई तो अशरफी यादव, लक्ष्मण भुइयां, अकलू समेत 30 नामजद और करीब 400 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जो आज भी आदिवासी उस केस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 2017 बीजेपी सरकार बनी तो उसने भी योजना को आगे बढ़ाया। सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बार बार मौके पर पहुंचे, सब कुछ देखा और अधिकारियों से जल्दी काम को पूरा करने को कहा। अधिकारियों ने हर बार हामी भरी। अजीब बात यह है कि पिछले 2 साल से हर बार 30 जून को काम पूरा होने का दावा किया गया, लेकिन दोनों बार अधूरा रहा। हालांकि इस बार काम पूरा कर लिया गया है और पानी भरने का फैसला लिया गया। छोटे मोटे काम आगे भी होते रहेंगे। 39 मीटर ऊंचा, 3.24 किलोमीटर लंबा बांध सोनभद्र के लिए वरदान बताया गया है। इससे दुधी और रावर्सगंज के 108 गांव के किसानों को फायदा मिलेगा। 100 किलोमीटर दूरी तक नहरों के जरिए पानी पहुंचने का प्लान है। इस पानी से 35,467 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। यहां अब जो खेती होती है वह बरसात के पानी पर निर्भर रहती थी। जिन स्थानों पर पानी पहुंचेगा वहां किसान इस योजना से उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं कि उन्हें लगता है कि इससे वर्षों का जल संकट समाप्त हो जाएगा और खेतों से इतनी फसल पैदा होगी जिससे वो साल भर का अनाज पैदा कर पाएंगे। कन्हर सिंचाई परियोजना के चलते यूपी सोनभद्र के 11 गांव, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के 6 गांव और झारखंड के गढ़वा के 4 गांव नक्शे से गायब हो जाएंगे। इन सभी को डूब क्षेत्र से हटाकर दूसरे इलाके में शिफ्ट किया गया। प्रशासन के लिए इन्हें नई जगह बसाना बड़ी चुनौती है। पीड़ित परिवार वहां से हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस परियोजना की लागत 27 करोड़ से 35 करोड़ पहुँच गई, 3500 करोड़ पहुँच गई, लेकिन हम आदिवासियों के हिस्से में क्या आया। जहाँ बसाया गया वहाँ पानी बिजली की समस्या है और विस्थापित कॉलोनी में भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। फिलहाल कन्हर प्रोजेक्ट अब अपने आखिरी दौर में है और एक तरफ बड़ी बड़ी मशीनें चिंगार रही तो दूसरी तरफ सुंदरी, भीसूर, कोरची, सुहागन, सुहामान गांव जैसे लोग अपना सब कुछ समेटने में लगे हैं। वहां से लौट रहे बच्चे अपने उजड़ते घर को निहार रहे हैं। महिलाएं दुखी मन से पैदल ही वापस आ रहे हैं। उनके रहने के लिए जहां प्लाट दिया गया वहां निर्माण पूरा नहीं हुआ। ऐसे में आने जाने वाले वक्त में कुछ व्यवस्थित कर पाना भी उनके लिए चुनौती से कम नहीं है। आपको पास में जो मंदिर दिखा, बताते हैं कि कहा जाता है कि मंदिर निर्माण के 1 साल बाद ही काम का बांध भी पूरा हो पाया। तो इस तरीके से हमने कुछ यहाँ की कवरेज की है। लोगों के दुख दर्द बहुत हैं और सही मायने में विस्थापितों का दर्द समझना चाहिए, उनकी जो समस्या है उसको सॉल्व करना चाहिए। तो हमने अपने द्वारा कोशिश की कि हम इस बांध के आसपास के एरिया को कवर कर सकें, आपको दिखा सकें। हमारे द्वारा ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।